बुलेटिन में सबसे पहले बात यूपी के देवरिया की, जहां इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंची किन्नर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। आखिर क्यों आया किन्नर को गुस्सा और क्या वजह रही इस हंगामे करने की, देखिए इस रिपोर्ट में। तो इलाज कराने के लिए जब उस डॉक्टर ने लिखा कि यहाँ पे बलगम की जांच होगी, डायरेक्ट वो कह रहा है डॉक्टर कि हम इलाज नहीं करेंगे, तुम अपने ब्लॉक में लेकर जाओ। और डॉक्टर साहब के पास फिर दोबारा गई, वो उसने कहा कि यहीं हो जाएगा, उसने कहा कि हम नहीं करेंगे। मैं बोली कि ऐसे बेतमीजी क्यों बता रहे हो तुम कि हम नहीं करेंगे। वो कह रहा है कि तू 100 नंबर ना, तू 1000 नंबर बुला ले, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, डॉक्टर बोला कि हम 100 नंबर के अलावा तू 1000 नंबर बुला ले, फिर भी हमारे यहाँ कोई नहीं होगा, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। उसी पर मैं गुस्सा करी कि आपने क्यों नहीं करेंगे। आखिर मैं जिला अधिकारी है, ये जिला देवरिया का बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा नामी हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो डॉक्टर वो पैसा ले रहे हैं, घुसखोरी कर रहे हैं, मरीजों को यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। अगले बार भी आई थी एक मरीज को लेके, एक नर्स ने लिख दी बाहर से कि तुम दवा लेकर आओ। जब दवा लेकर आई, यहाँ की एक लेबर ने बोला कि हम 100 रुपया दो दीदी, हम लगा देंगे, सुई लेकर जाए। लेकिन उसने सिस्टर ने क्या करी कि बाहर वो दवा मेडिकल वालों को बुलाकर आ दवा यहाँ से पार्सल कर दी। किसको लेके आई थी, क्या हुआ था? उस बार अपने माताजी को लेकर आई थी, इस बार अपने भाई को लेकर आई हूँ। क्या हुआ इनको? इनको हो गया है टीबी का शिकायत, तो वहाँ बोले कि बलगम जांच करा लो, उसके बाद से हम बताएंगे कि क्या हुआ है, तो इलाज करेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि हम करेंगे नहीं, तुम जैसलमपुर लेकर जाओ, गोरखपुर लेकर जाओ। ये बताइए कि जिला देवरिया में हॉस्पिटल काहे के लिए सरकारी खुला है? सरकारी तो ये होता है कि गरीबों का इलाज करने के लिए। क्यों मना कर रहे हैं, कारण क्या बता रहे हैं? अब कारण कुछ नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। आखिर में क्यों नहीं करोगे? पैसे भी मांग किए थे ना, तभी तो पैसा देने से मना कर दी मैं। कितना मांग रहे थे पैसे? मांगे थे हमारे से 5000 रुपया बलगम जांच करने के। 5000 जब सरकारी में दूंगी तो प्राइवेट में नहीं करा सकती हूँ मैं। डॉक्टर का नाम मालूम है आपको? डॉक्टर के नाम मालूम नहीं है, हमारे नाम आपको मालूम? डॉक्टर हमारा नाम है सुनीता किन्नर, मैं मगहरा की रहने वाली हूँ, मैं इलाके की खुद को मालिक। किसका इलाज करा, उनका नाम बताइए? अमरजीत शर्मा का। क्या चाहती हैं आप? यहाँ पे ये चाहती हूँ कि हर गरीबों को इलाज हो, अच्छा से अच्छा इलाज हो, अच्छे से अच्छे उनको देखभाल किया जाए। सरकारी डॉक्टर जो दवाई आ रही है बाहर बेचा ना जाए, बाहर मत बेचा जाए, मरीजों को इलाज करे। हर ये दुनिया में गरीब इंसान है, गरीबों इंसान के लिए ये लोग पैसा मांगेंगे कहाँ से? बाबूजी आप भी बताइए पैसा कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से ये लोग देंगे गरीब इंसान? पैसा होता तो प्राइवेट में ना जाकर इलाज करा लेते, सरकारी क्यों आते? सरकारी देखिए इस विषय के बारे में जो जिला ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर हैं उनको बुला के मैंने इसका संज्ञान लिया, तो उन्होंने बताया कि ये जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल निराधार हैं, लेकिन फिर भी आपने इस बात को बताया तो इसमें जांच कराएंगे और अगर कोई दोषी हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।